नमस्कार दोस्तों, ये योर फीडबैक का थर्ड एपिसोड है जो कि आप इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स देते हैं। उन फीडबैक्स को मैं इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं डॉक्टर अमित, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये फीडबैक का थर्ड एपिसोड है जो कि आप इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स देते हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। तो उन फीडबैक्स को मैं इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं पहले फीडबैक की तरफ जो कि आपने इतने अच्छे अच्छे दिए। तो उन फीडबैक्स की मैं जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे लगाता रहूँगा, बस आप देख सकते हैं। तो पहले फीडबैक की तरफ चलते हैं। जो पहला फीडबैक आरख है वो आरख है सरोज जी की तरफ से। तो मैं आपको इन्होंने क्या लिखा हुआ मैं वो भी बताता रहूँगा साथ साथ में। तो पहला जो इन्होंने लिखा है, मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर चूजिंग माई करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन। आप इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन सेलेक्ट किया है। एक डोज में 40-50% फीलिंग गुड इमोशनल एंड फिजिकल। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है। तो इनके मैं स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे लगा दूंगा साथ में, जो कि सरोज जी की तरफ से फीडबैक आ रखा है व्हाट्सएप पे। तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है ये। तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरे फीडबैक की तरफ जो कि व्हाट्सएप पे आ रखा है, जो कि प्रिया डिसोजा जी की तरफ से आ रखा है। तो वो लिखते हैं, डॉक्टर आई एम टेकिंग एसिड फॉस 200 इज वेडन 200 नो कंट्रोल ओके हेयरफॉल एंड माई वाइट हेयर ऑल्सो ओके फीलिंग हंगरी इमोशंस आर नॉर्मल। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, बट फॉर स्ट्रेस आई एम टेकिंग रेस्क्यू रेमेडी एज पर यू सजेशन। थैंक यू अलॉट। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। ये हेयर फॉल के ऊपर है फीडबैक जो कि प्रिय डिसूजा जी की तरफ से आ रखा है व्हाट्सएप पे। तो ये सेकंड फीडबैक है जो कि बहुत अच्छा फीडबैक है हेयर फॉल के लिए। तो चलते हैं अब थर्ड इसकी तरफ फीडबैक की तरफ जो कि यूट्यूब पे आ रखा है, जो आपके आ रखा है एमी गिली जी की तरफ से। तो ये लिखते हैं, थैंक यू सो मच सर, आपने जो दवाई बताई थी उससे जो गुर्दे की पथरी यानी कि जो किडनी स्टोन की समस्या थी इनको, तो वो उन्होंने मेडिसिन ली और इनको अब जो किडनी स्टोन की जो समस्या है बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और उन्होंने व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भी सेंड करी, तो बिल्कुल जो इनको मल्टीपल स्टोन की समस्या थी किडनी में वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमी गिली जी इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। तो उसके अगले फीडबैक नेक्स्ट फीडबैक की तरफ चलते हैं। तो जो कि फीडबैक है के राज की तरफ से, आप जो मेडिसिन यूरिक एसिड के लिए सजेस्ट किए थे उससे मुझे काफ़ी आराम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका के राज जी, जो कि बहुत अच्छा फीडबैक है। और ये फीडबैक भी जो है व्हाट्सएप पे आ रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट फीडबैक की तरफ जो कि यूट्यूब पे आ रखा है सचिन राजपूत की तरफ से। तो उन्होंने लिखा, हेलो सर, प्री मेच्योर एजुकुलेशन की जो मेडिसिन बताया था आपने, मैं 2 महीने हो गया, काफ़ी फ़र्क है पहले से, कब तक लेना है? तो सचिन राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। अगर आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट है तो इन मेडिसिन कंटिन्यूसली यूज़ करें, जैसे आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं उसके बाद इन मेडिसिन को आप धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। 3 से 2 बार कर सकते हैं, 2 से 1 बार फिर उसके बाद बंद कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट है और बहुत अच्छा फीडबैक है आपकी तरफ से सचिन राजपूत की तरफ से, जो कि यूट्यूब पर आ रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट फीडबैक की तरफ जो कि फीडबैक आ रखा है विशाल जी की तरफ से। तो ये लिखते हैं, इनको पिंपल एक्ने की समस्या थी, इनको मेडिसिन और अपॉइंटमेंट क्रीम बताया गया था लगाने के लिए। तो इन्होंने मेडिसिन अभी तक यूज़ नहीं करा था, क्रीम यूज़ करा, बट इन क्रीम से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल जी। और कभी कभी जो क्रीम है जो इनको बताई हुई पिंपल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट रही है इन क्रीम्स लगाने से। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए विशाल जी। तो नेक्स्ट फीडबैक चलते हैं जो कि है अमित कुमार जी की तरफ से। तो वो लिखते हैं, सर नक्स का 30 से मुझे बहुत अच्छा मींस इनको पेट साफ अच्छे से हो रहा है, तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो थैंक यू, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित कुमार जी इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फीडबैक की तरफ जो कि प्रिया डिसोजा जी की तरफ से ही है, और जो कि वो व्हाट्सएप आ रखा। तो मैं आपको सभी जो फीडबैक रहते हैं उनका जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको यहाँ पे लगाता चलूँगा, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई समस्या रहती है तो आप उन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और नेक्स्ट जो फीडबैक है वो प्रिया डिसोजा जी की तरफ है। तो वो लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, गुड आफ्टरनून, तो आफ्टर गिविंग जेनिटनी अल्फा अल्फा कैन इम्प्रूवमेंट इन माई डॉटर, यस्टरडे लंच बॉक्स सी कम्प्लीट फिनिश, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया डिसोजा जी इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। अगर आपको भूख नहीं लगती है, आपकी जो भूख है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और इनको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और काफ़ी अच्छा फीडबैक था। तो ये कुछ फीडबैक आ रखे हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे, काफ़ी अच्छे फीडबैक है। जो भी आप इतने अच्छे अच्छे फीडबैक का शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे, तो उनको मैं फिर वीडियो बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि आज का जो फीडबैक एपिसोड थर्ड है, इससे पहले 2 एपिसोड आ चुके हैं क्योंकि आप देख सकते हैं चैनल में जाके। तो ये थर्ड एपिसोड है योर फीडबैक का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे फीडबैक देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये योर फीडबैक का एपिसोड अच्छा लगा हो।
तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन रहता है उसको दबा दें। उसके साथ में एक आपको बेल का आइकन दिखाई देगा उसको दबा दें, क्योंकि जैसे ही मैं होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।